बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका आज का दिन यानी कि आज है फ्राइडे, हम बात कर रहे हैं सैटरडे की यानी कि कल के दिन की, लेकिन क्योंकि वीडियो हम बनाते हैं आज के दिन के हिसाब से, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं 17 जून की। आपका कैसा गुजरेगा, तमाम बुर्जों के बारे में आज का दिन कैसा गुजरेगा। लगाने की एक दिन पहले होती है ताकि आपको नेक्स्ट दिन के बारे में पता हो। फिर लोग कहते हैं कि यार आप ने आज का दिन कहा है और लगाई फ्राइडे को है। भाई साथ सुना भी करो, हमने सैटरडे बयान भी किया, ठीक है। हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है, सदका व खैरात करते रहें। उम्मीद है कि आपका आज का दिन भी और कल का दिन भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। तो तरतीब से हम एक ही तरतीब चलती है, उसी के हिसाब से बताएंगे। पाइसिस वाले नाराज़ होते हैं हमारी सबसे आखिर में बताते हैं, तो क्या करें आप भाई, सबसे आखिर में हमारे सितारों के हिसाब से सदका व खैरात करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। तो सबसे पहले हम जिसकी शुरू करते हैं हमल से। हमल वालों, पुरमसरत दौर और समाजी तकरीबात में आप शिरकत करेंगे, वहाँ से आपको सुकून भी मिलेगा। सरमायाकारी करेंगे तो अच्छी आमदनी हासिल हो सकती है। कोई करीब इंतहाई नाकाबले पेशन गोई मूड में होगा, आपने एक अच्छा रिश्ता उसके साथ बनाया हुआ, मोहब्बत जो है एक नया मोड़ लेने वाली है। दफ्तर में आज चीज़ें आपके हक में होंगी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, आपको उम्मीद से कई ज़्यादा बेहतर रंग लगेंगे शादी के मामलात में, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम बुर्ज टॉरस वालों के लिए। दूसरों को खुशियों में शामिल करने से आपकी सेहत अच्छी होगी, आप पुरमसरत महसूस करेंगे और कामयाबी का फार्मूला भी ऐसा ही है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो ऐसे लोगों के मशवरे पर सरमायाकारी करें जो कि वसी सोच और तजर्बा रखते हैं। किसी सीनियर से पूछ के सरमायाकारी करें अगर आज के दिन आपका सरमायाकारी का मूड है। शरीक हयात और बच्चे जो हैं वो आपसे एक्स्ट्रा टेंशन मांग रहे हैं, और अब आपकी जो मोहब्बत है वो आपको खुलकर दिखाई देगी कि आपने जो एक रिश्ता बनाया था कितना अच्छा बनाया था और कितना अच्छा है। आज का दिन आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बेहतरीन दिन में से एक हो सकता है। जोजा वाले, आपके लिए कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और किसी समाजी तकरीब में जाने का मौका मिल सकता है, लोगों अहम लोगों के साथ वहाँ पर आपका आमना सामना भी हो सकता है, उनकी बातें ध्यान से सुने, आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने को मिल सकता है। और एक उन पे नज़र भी रखें क्योंकि वो तकरीबात में आपके इमेज को ख़राब करने के लिए बातें भी करेंगे, तो आपने थोड़ा सा उन पे भी नज़र रखनी है। आज अपने अहम मसाइल पर अगर आप तवज्जो दें बेहतर है। आज आपका शरीक कार जो है वो शरीक सफ़र जो है वो थोड़ा सा उसका मूड ठीक नहीं है, उसका मूड अच्छा करना है तो वो आप पर है कि कैसे अच्छा करना है। हमने आपको बता दिया कि आज आपके शरीक सफ़र का मूड अच्छा नहीं है, चाहे आप जोजा औरत हैं या मर्द हैं, आपका पार्टनर जो है वो आज कुछ नाराज़ नाराज़ है। उसके बाद बात करेंगे बुर्ज सरतान वाले के, अपने जिस्म को रिचार्ज करने के लिए आपको आराम करना होगा, वरना थकन की वजह से आप गलत फैसले कर सकते हैं। कई मालियाती स्कीमें जो हैं वो आपके सामने पेश की जाएंगी, लेकिन कोई भी वादा करने से पहले ज़रा एक दफ़ा उनको परख लीजिएगा, कोई भी वादा मत कीजिएगा। दूर दराज के रिश्तेदारों की तरफ से कोई एक गैर मतवक्को पैगाम आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए खुशी का बायस होगा। ऐसे आसाइशी सफ़र पर रवानगी का इम्कान है जो तवानाई और तरोताजगी देगा। दफ्तर में कोई शख्स आपके मंसूबों में रखना डालने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उस पर नज़र रखें। शरीक हयात के साथ आज आप ज़िंदगी का अच्छा दिन गुजारेंगे। उसके बाद बात करते हैं बुर्ज असद वालों के लिए। कुछ अनजाना सा खौफ है आपको जो आपके हौसले पस्त कर रहा है, इसे दूर भागने के लिए इज्जत नफ्स को तहरीक मिलाएं। काम का स्ट्रेस तो आपके सर पर है, लेकिन अपने लिए और ख़ानदान वालों के लिए वक्त निकालें। आप बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हीं के लिए करते हैं, लेकिन अगर उन्हें वक्त नहीं देंगे तो वो आपसे नाराज़ नाराज़ रहेंगे। आपका जो रवैया है उसकी वजह से रिश्तों में जो है वो थोड़ी सी दरार आ सकती है, नाराज़गी हो सकती है, चाहे वो वालदैन के साथ हैं, बहन भाइयों के साथ है, शरीक हयात के साथ है। आज आपकी शरीक हयात जानबूझकर आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा या पहुँचाएगी, क्योंकि वो आपसे वक्त मांग रहे हैं और आप वक्त नहीं दे रहे, वो थोड़े से अपसेट हैं और इस अपसेट में वो आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सुमला वालों की, ठीक है जी। आज किसी बुजुर्ग की दुआ जहनी सुकून अता करेगी। वर्गो वालों की बात करें, सुमला वर्गो वालों की, ताज़ा सरमायाकारी करने का वक्त है। अगर आपको सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो अपने फैसले खुद करें, करियर के लिए बेहतर मौका है। सफ़र भी आपको होना पड़ सकता है जो कि अच्छा रहेगा, ऐसे करने से पहले वालदैन से इजाज़त लें वो बेहतर होगी, बाद में इतराज़ मत कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ में आपकी मदद भी मिलेगी और बहुत से ऐसे मौके भी आज आपको मिलेंगे जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, तो ज़रा तवज्जो की तरफ भी नज़र रखिएगा।
उसके बाद बात करते हैं लिब्रा या मिजान वालों की। आप बेझिझक और बेखौफ अपने दोस्तों को अपने नज़रियात पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि आप दोस्तों की वजह से आप नाराज़ भी हो सकते हैं, नुकसान भी पहुंच सकता है। गैर मनसूबाबंदी व वसाइल से मिलने वाला पैसा आपको आज के दिन बड़ी खुशी देगा। अपने ख़ानदान को मुनासिब वक्त दें, उनको वक्त दें। उनकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे। मोहब्बत जो है और रूहानी मामलात आपके बड़े ऊपर जाने वाले हैं, आपको इसका इल्म भी हो जाएगा। नए फीचर्स जो हैं और नया मुनाफा वो आपको मिल सकता है। शरीके याद के साथ किसी छोटी बात पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा अगर लंबे अरसे तक रहा तो शादी को बर्बाद कर देगा। दूसरों के कहे या मशवरे पर बिल्कुल अमल ना करें, जो आपका वजदान कह रहा है उस पर अमल करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की, बुर्ज अकरब वालों की। रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे के लिए आप आज अल्लाह से अपना लो लगाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, आपके लिए बेहतर होगा। आप दूसरों पे खर्च करना पसंद करते हैं, अपने ख़ानदान पे खर्च करें, वो आप ख़ानदान की तरफ से तनकीद भी मिल सकती है। शाम दोस्तों के साथ अगर बैठ जाने का प्लान है तो ज़रूर जाएँ, कोई मोहब्बत जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है और वो आपको मिल भी सकती है। आपका हौसला भी बढ़ाएगी और ये पेशकदमी आपके लिए अच्छी भी रहेगी। समाजी और मजहबी तकरीबात में आज का दिन शिरकत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शरीक आत मोहब्बत और रोमांस के डिमांड में है जो कि आपको पूरा करना है और आप उससे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद बुर्ज कोस वालों की बात करेंगे, जो हैं सजिटेरियस वाले। आपको अपने तनाव से तो आज निजात मिल जाएगी। दोस्तों के साथ की जाने वाली सरगर्मियाँ जो हैं वो काबिल तफरीक होंगी, लेकिन खर्च करने पर रजामंदी ना दें वरना आप खाली जेब लौटेंगे। थोड़ा सा अपने फाइनेंस को देख के चले तो बेहतर है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी आपके लिए कुछ इंतहाई हैरत अंगेज चीज़ें लेकर आएगी। आज के दिन उनको कबूल करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि मोहब्बत के मामलों में आपको मायूसी हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर आपका महबूब पूरा ना उतरे। आप जिस शिनाख्त और इनाम की तवक्को कर रहे हैं वो मुलतवी होगा। शादी के बाद मोहब्बत मुश्किल नज़र आ रही है, तो दिन भर किसी सोच में गर्क रहने का फ़ायदा कोई नहीं। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न या बुर्ज जदी वालों के साथ। मुस्कराएंगे, तमाम मसाइल आपके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो पैसों की सूरत हाल है उस पर नज़र रखें। अखराजात जो है वो महदूद करें, शहाना तर्ज ज़िंदगी थोड़ी सी क्लोज करें। दोस्तों पे खर्च करते हुए ज़रा सा सोचें, मेहरबानी होगी। ज़्यादा देर बाहर रहना और दोस्तों पे खर्च करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इससे ज़ाती नुमाई तो होगी लेकिन आपका एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएगा। सफ़र आपके कारोबार के लिए मौके पैदा करेगा। सरतफरी के लिए वक्त निकालें। आज किसी की शादी में आप शिरकत करेंगे और अपने शरीक याद के साथ अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद बुर्ज दल या क्वेरीज वालों की बात करेंगे। मुस्कराएं कि आपके भी खर्चे और रोज़मर्रा के मामलात हमें थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं। घरेलू तनाव कम होगा। किसी ऐसे शख्स से मिलने का इम्कान है जो आपके दिल को बड़ा अच्छा लगता था या लगता है या लगेगा। आज आपको दफ्तर में ऐसा काम भी दिया जाएगा जो आपको हमेशा से आप करना चाह रहे थे, आपका पैशन था लेकिन आपको दिया नहीं जा रहा था, अब लगता है आपको दिया जाएगा। आपके अतराफ मौजूद लोग जो हैं वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां कर सकते हैं, लेकिन आपके शरीक हयात जो है वो एक मरतबा फिर आपके मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, होंगे या हो सकते हैं। आखिर में बात करेंगे बुर्ज पाइसिस या होत वालों के लिए। अपने जहन को मोहब्बत, अमीर, यकीन, हमदर्दी जैसे जज्बात कबूल करने के लिए तैयार रखें। एक मरतबा फिर ये जज्बात आपकी ज़िंदगी में मुस्बत रद्दमल लेकर आएंगे। दोस्त और दोस्त हौसला बढ़ाएंगे। ध्यान दें क्योंकि मोहब्बत में गिरफ्तार होना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कारोबारी पार्टनर जो मदद कर रहे हैं उनके साथ मिलके जो ज़ेर अल्तवा काम है उनको पूरा करें। सेमिनार वगैरह में शिरकत करें, इससे आपके इल्म में इजाफा होगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हों, लेकिन आज आप अपनी निस्फ बेहतरी के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।